जालंधर में नाइट कर्फ्यू के दौरान थाना 6 के अंतर्गत आते गुरु नानक मिशन चौक में स्पेशल नाकाबंदी कर कईयों के चालान काटे गए, जिस दौरान थाना नंबर 6 के SHO सुखजीत सिंह ने बताया कि CP गुरप्रीत सिंह बुलर के आदेशों पर नाइट कर्फ्यू की पालना न करने वाले लोगों का चालान काट कानूनी कार्रवाइयां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए पहले ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, जो कि अब 30 अप्रैल तक चलेगा, लेकिन जो लोग बिना वजह सड़कों पर घूम रहे हैं उनका चालान काट कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं पर जो लोग बुलेट व बाइक में साइलेंसर से पटाखे बजाते घूम रहे हैं उनकी चालान भी काटे जा रहे हैं। देखिए जालंधर से ईशान जनेजा की रिपोर्ट। मां जो CP साहब दियां हदायतां अनुसार COVID-19 दे केस वाधे दे संबंध होण विच जो रात नूं 9 तों 5 जिहड़ी करफ्यू सवेर 5 बजे तक लगा उहदे विच स्पैशल असीं नाकाबंदी कीती है गुरु नानक मेह चौंच PCR चौंकी चार नाल लै के जो बार वख-वख जिहड़े वहीकल चैक कीते जा रहे आ जिहड़े बिना वजह सड़क ते घूम रहे आ तां उहनां नूं राउंड अप कर रहे उहनां दी पुछगिछ कीती जा रही। खास करके इन्हों चेक करते हैं जो बिना वजह जो लोवर टैब फैशन जिन्होंने बनाया भी अपने सिलेंसर दूजे लाए आ जो लोगों को परेशान करते पटाके चला काबू करके इन्हों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।